हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई जस्ट नाउ मम्मी ने टीवी लगा दिया था बड़े बड़े आवाज में। मम्मी का वो बना हुआ है, मम्मी जब भी ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ उसमें मम्मी का आवाज, नहीं तो टीवी का आवाज, नहीं तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इट्स ओके। तो अभी फिलहाल मैं नाश्ता कर रहा हूँ। मम्मी तुम्हारा नाश्ता हो गया? क्या खाया? इडली सांभर। इडली? वो तो मतलब आज दिन भर इडली खाना पड़ेगा भाई। रात को इडली का वो बचा हुआ उसमें से ये खाना पड़ेगा, डोसा खाना पड़ेगा। मतलब एक बार अगर इडली बना दी लेडीज लोगों ने घर पे, तो दिन भर सुबह इडली, दोपहर को डोसा, रात को डोसा, दिन निकल जाता है उसमें। देखो यहाँ पे हरी चटनी है, सांभर है और इडली। हरी चटनी नहीं, कोबरे की चटनी। बर आज क्या बनने वाला है घर पे? आज घेवर फिर से। क्यों बना रही हो? बहुत अच्छा लगा उसमें, बट वो रबड़ी कम थी उस दिन ना। हाँ। थोड़ा थोड़ा ही खाया तो, टेस्ट के लिए, बट बहुत सही टेस्ट थी। जिसने भी थो जाए ना घेवर, वो अतरिका हो, वो क्या बोलते हैं, मतलब उसके पास काम ही नहीं होगा, इसलिए इतने कुटाने करके उसने अच्छा सा कुछ तो बनाया। कुटाने मतलब क्या होता है? मगज मारी। हाँ। इतने कष्ट लेके, इतने कष्ट लेके इतना सही कुछ तो बनाया। तो आज फिर से घर पे घेवर बनने वाला है। यहाँ पे बन रही है रबड़ी। ठीक है, रेवड़ी और रबड़ी। रेवड़ी मतलब हमारी रेवा, रबड़ी मतलब ये। और यहाँ पे बन रही है चाशनी पाक। और घेवर किस में बनेगा? इसमें ही बनेगा, इस छोटे छोटे इसमें बनाओ उसको इस, और थोड़ा मोटा बनाओ उसको। और एक और चीज़ है, उसका जो निचला वाला भाग है ना, वो ज़्यादा ये होने देने का, फ्राई होने देने का। ऊपर का थोड़ा कम फ्राई हुआ तो भी चलेगा। तो ऑटोमेटिक ही होता ही है ना। हाँ, और बूंद 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 टिपकाने का उसको, ऐसा ज़्यादा आप मत आना आज, आप अपना काम करके रहना, हम बराबर से खाएंगे। आज धूप खिली है भाई, गाड़ी को लगा देते हैं छाव में, चाल में लगा के देते हैं हमारे प्याज के जो चाल है ना उसमें। मौसम देख रहे हो क्या सही हो रखा है, नीला नीला आसमान, हरे हरे खेत और हैंडसम हैंडसम बॉयज। दादाजी क्या कर रहे हैं उधर? धनिया। ये मुझे बहुत कूल लगता है, जब भी मैं गाड़ी के पास आता हूँ या इन्हें ऐसे रिस्पेक्ट देते हैं तब। मतलब हुंडई वालों ने क्या सोचा है, जो गाड़ी का ओनर है उसको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, चाहे घर में उसको कोई रिस्पेक्ट ना दे, गाड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो जब भी मैं गाड़ी के पास आते हो आईने ऐसे क्यों बज रहा है भाई? चलो भाई। पायल तुम क्यों आ रही? एटीट्यूड देती है पायल मुझे, खुद को क्या समझती है पता नहीं। इतनी सी है, 35 किलो की है सिर्फ, 35 नहीं 40 किलो की होगी, और एटीट्यूड ऐसा देती है जैसे कोई महारानी है। यहाँ पे दोनों गाड़ियाँ लगा देते हैं हम लोग। अरे डरा दिया था भाई इस कुत्ते ने मुझे। आगे वैभव की गाड़ी है, पीछे हमारी गाड़ी है। ये किसने लिखा है भाई गाड़ी के ऊपर? चलो भाई, बाल मस्त सिल्की हो रखे हैं। रीवा को मिलने जाना था मुझे, पर रीवा सो जाती है यार इस टाइम पे। कैसा मौसम हो रखा है आज देखो, एकदम बढ़िया। और मैं सोच रहा हूँ एक माइक्रोफोन ले लेता हूँ, क्योंकि ब्लॉगिंग की दिक्कत फिर ख़त्म हो जाएगी। ये जो आपको ऑडियो का इशू आ रहा है, एक ही कान से ऑडियो सुनाई देती है, वो ख़त्म हो जाएगा फिर, ठीक है। और क्योंकि ये मोबाइल रिपेयर होने में अभी टाइम लगे, उन्होंने अभी स्पेयर पार्ट मंगवाया है, आएगा फिर वो मोबाइल में बिठेगा, फिर उसके बाद वो चलेगा, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तब तक के लिए हम एक माइक ऑर्डर कर लेते सुनील का अमेज़न प्राइम में, एक दिन में ऑर्डर आ जाएगा। उस दिन का बचा हुआ घेवर ट्राई कर रहे हैं लोग, दिखाओ कैसा है।
मतलब तुम खाओ मुझे बताओ टेस्ट कैसा है। ये किसने बनाया है? पायल ने या मैंने बनाया? हाउ इज द टेस्ट? टेस्ट घेवर की है या इसकी है? दोनों के मिक्स करके मिक्स टेस्ट अच्छा आता है उसका। अभी नया बनाओ पायल और नया मैं खाऊंगा फिर, ठीक है? इसको फेंक दो। पूरा नाम खाओ, पूरा नाम तुम लोग खाओ। घेवर रेडी है दोस्तों, उसको पाक में डालो ना थोड़ा सा। डायरेक्टली? हाँ डायरेक्टली डाल दो ना भाई। फिर बस के निकालो उसको बाहर। घेवर टाइम दोस्तों, घेवर खा लो। कट करके लाए क्या? बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है भाई ये। रिवा के शौक देखो आप लोग, घूमी घूमी करनी होती है इसको। रिवा उसको समझते हैं नहीं ऊपर दे। रिवा गाड़ी पे घूमना बहुत अच्छा लगता है उसे। और काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है वो, उसकी उम्र के हिसाब से ना बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। मतलब अभी अभी फ़िलहाल में ना मम्मी ने क्या किया, उसको थोड़ा सा है ना परेशान किया, तो वो समझ गई कि अभी इसके पास जाना नहीं मम्मी के पास। तो मम्मी के पास जा ही नहीं रही है, ऐसे रोने लग जाती है, चिल्लाने लग जाती है। मतलब इतनी छोटी उम्र में इतना सेंस कैसे, खतरनाक है भाई। रेवड़ी देखो चलो बैडमिंटन खेलते थोड़ा। बहुत ज़्यादा हवा है वैसे आज, पता नहीं खेलना होगा या नहीं होगा। पर मौसम देख लो आजू बाजू का, बारिश रुक सी गई है अभी, क्योंकि श्रावण महीना ख़त्म हो चुका है। सावन का महीना ख़त्म हो चुका है ऐसा बोलते हैं मराठी में, कहावत है रिम जिम सरी सावन क्या बनता है श्रावणातल्या रिमझिम सरी। मतलब सावन महीने में ना बारिश ऐसे जोर से नहीं होती, थोड़ी धीरे 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 होती रहती है, कंटिन्यू होती रहती पूरा महीना। तो अब जाके ख़त्म हुई है बारिश, काफ़ी तालाब भर गए हैं उसकी वजह से। हाँ और बहुत सारा घेवर खा लिया था, अभी जाके बैडमिंटन खेलना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा सा वर्कआउट होगा। रेवड़ी लाउन देना गाड़ी रिबा डेली बोलेगी वो मुझे घुमा के लाओ। गाड़ी घेरनी का आता थी इंतजार कर ना रे मुझे पर आई क्या कर रही है अभी उसको एक और आदत लग चुकी है, वो जो भी खड़ा होता है ना रिबा बैठने वाले के पास नहीं जाता। तिला काय मज्जा वाटत असेल तुझे रे सीधा 2-4 किलोमीटर घुमा के लाएगा उसको एक ही बार। महाभारत, अरे महाभारत नहीं चल रहा है ये, अलग ही शो चल रहा है, अलग ही शो चल रहा है, ये सीरियल चल रहा है। आलू खाता है, मैं खा सकता हूँ माल देन थोड़ा संपले और ये उगेला ओके हां इग्नोर नहीं केला हां झालं लक्षण होतं। इग्नोर करती तू ऑडियंस? ऑडियंस नहीं मार नानी कर लक्ष होते आले का ऑडियंस बताएगी तूने मुझे इग्नोर किया है नहीं किया। मी नानी कर लक्ष होतं टेक्निक तो कमेंट इति मैं तो भी पण माशा दीदी मैंने 2-4 बार आवाज दी तब तूने उडत नहीं तो मग मार म्हणजे आता कळलं तू तर की नंबर आलू खाएगी सुनील आलू खाएगा खा ले नहीं
गरम है। क्या बन रहा है? आलू की चटनी और उसे क्या बोलते हैं, मसाले भात और डोसा। मसाले भात और डोसा। रीवा के बहुत सारे नाम है, टुमा, रेवा, रेबड़ी, रीबा, कुटू, बहुत सारे नाम है इसको। ओए कुटू, कुटू क्या कर रहे हो? कुटू ए कुटू ए कुटू। वैष्णवी बाइक चलाएगी क्या अभी? रीवा रीवा की मम्मी देखो, रीवा रीबा क्या बकबक करती रहती है। मिली के नेट लगा दे जल्दी, गाड़ी वही बोला गया ना उसकी गाड़ी। चलो भाई खाना वाना खा लेते हैं, महाभारत देखते हैं, मम्मी के साथ गप्पे करते हैं और मेरी मीटिंग भी है थोड़ी देर में, फटाक से खाना खाना पड़ेगा। कैसा है खाना? बेस्ट। मेरे बाल ज्यादा ही सिल्की हो रखे हैं। राइस और ये नारियल की चटनी।